DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। आज भारत के बाजार से लेकर घरों तक चीनी सामान का कब्जा है। धार्मिक स्थलों से लेकर तीज त्योहारों तक मेड इन चाइना मार्का की पहुंच है। तो आज इतने बड़े बाजार को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या मेड इन चाइना मार्का सामान की खरीदारी बंद की जा सकती है। मुझे लगता है शायद इतनी आसानी से नहीं जितना सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। यहां असंभव कुछ भी नहीं, और जब बात देश की अस्मिता की हो, जब भावना देश हित की हो, तो कैसे कोई भारतीय पीछे हट सकता है। हालांकि फैसले कड़े हैं और अल्प समय के लिए कुछ तकलीफ देने वाले भी हैं, लेकिन जब समय देश हित का हो तो हर फैसला लेना संभव हो जाता है। आज हम आपको इसी फैसले लेने में मदद करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारत की चीन पर निर्भरता और घटते आयात की। सबसे पहले हम भारत और चीन के इस व्यापारिक रिश्ते को समझते हैं और इसके लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। दरअसल चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70.32 बिलियन रहा, जबकि 2018-19 में भारत का चीन को आयात महज 16.75 बिलियन डॉलर ही था। इस प्रकार 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.57 बिलियन डॉलर रहा। भारत के रसोई घर में, बेडरूम में, एयर कंडीशनिंग मशीनों के रूप में, मोबाइल फोन, डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद है। लोकल के लिए वोकल के मोदी के नारे के तहत भले ही फ्लिपकार्ट और अमेजन ने भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, पर भारत भी आज भी भारतीय बाजार में एक बड़ा हिस्सा चीनी मार्का सामान का ही है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत में 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में उसका निवेश 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। यानी एक बड़ा निवेश कर चीन अन्य देशों में अपना एक मकर जाल सा बुनता जा रहा है और वो देश इसमें धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत कैसे इस मकर जाल में फंसता जा रहा है। दरअसल जैसे चीन भारत में जितना सामान निर्यात करता है, भारत उसका बहुत ही कम सामान चीन को निर्यात करता है, जिससे भारत को निरंतर व्यापारी घाटा हो रहा है और पिछले कुछ सालों में लगातार इस घाटे की दर बढ़ती जा रही है। चीन जिन सामानों का निर्यात करता है भारत में, उसकी कीमत इतनी कम होती है कि उसकी प्रतिस्पर्धा में कोई भी भारतीय कंपनी टिक नहीं पाती। उदाहरण के लिए पिछले साल भारतीय खिलौनों के केवल 20% बाजार पर भारतीय कंपनियों का अधिकार था, जबकि बाकी के 80% बाजार पर चीन और इटली का कब्जा था, जिसमें एक बड़ा भाग चीन का था। एसोचैम के अनुसार, अध्ययन के अनुसार पिछले 5 साल में 40% भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियां बंद हो चुकी है और 20% बंद होने की कगार पर है। इस तरह चीन ने काफी बड़े भारतीय बाजार को अपने कब्जे में ले रखा है। इसके साथ ही चीन भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों को अपने बाजार में उत्पाद उतारने की इजाजत भी नहीं देता है। भारत कॉटन, यान, फैब्रिक्स, मेटल, स्टोन जैसी हल्की चीजों का निर्यात करता है। वहीं चीन हमारे देश में टेलीकॉम उपकरण, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी पार्ट्स जैसी चीज़ों को निर्यात करता है। और अब इसे देखते हुए समय आ गया है कि इस जाल को हम तर्कसंगत तरीके से तोड़ें, और इसका एक बहुत अच्छा विकल्प देश के जाने माने समाजविद, आविष्कारक, शिक्षक सोनम वांगचुन ने दिया है। उनके अनुसार अगर हम इस चीन को झुकाना चाहते हैं, जो दक्षिण चीन सागर पर कई देशों समेत भारत को भी अपनी ड्रैगन आई दिखाता है, तो उस चीन को कमजोर करने का एक ही विकल्प है, उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना, क्योंकि उसकी आर्थिक प्रगति के लिए भारतीय बाजार बहुत जरूरी है। उन्होंने एक हफ्ते में चीनी एप्लीकेशन के बहिष्कार और एक साल में समस्त चीनी सामान के बहिष्कार का भी सुझाव दिया है। आपको बता दें कि WTO नियमों के कारण भारत चीन के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं लगा सकता, लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है। यह एक प्रकार का शुल्क होता है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी और भारतीय उत्पादक उसका मुकाबला कर सकेंगे। यदि चीन के उत्पादक इस ड्यूटी की वजह से भारत में सामान नहीं भेजते, तो भारतीय उत्पादक उन्हें भारत में ही बनाना शुरू कर देंगे, जिससे हमारे देश में रोजगार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अभी के हालातों को देखते हुए इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार ही नहीं, बल्कि भारत के लोगों को भी अपने दृढ़ संकल्प से रोकना होगा। हमें भारतीयों को थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली वाली विचारधारा को अपनाना होगा, तभी हमारे देश के हाथ मजबूत होंगे। देखो, चीन की सेना को सबक तो चीन हमारी भारतीय सेना सिखा देगी, लेकिन हमें भी
चीनी सामान का बायकॉट करना चाहिए। जैसे दिवाली पे लड़ियाँ आती हैं, टिकटॉक जो आजकल के बच्चे देख रहे हैं उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। चीनी सामान आना है उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि चीन की कमर टूटेगी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही अजमेर वासियों से अपील है कि उनको चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए और जो हमारे आज भारतीय सैनिक शहीद हुए उनको शत-शत नमन करता हूँ। सर जैसे मोबाइल भी आ रहे हैं चाइना के, मोबाइल चाइना के मोबाइलों का भी हमें बहिष्कार करना चाहिए। चाइना की लड़ियों का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना के दीपकों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और चाइना का ही चलता हुआ टिकटॉक है इसका भी हमें बहिष्कार करना चाहिए। उससे उसकी हम आर्थिक कमर तोड़ पाएंगे। क्या अपील कहना चाहते हैं सर अजमेर शहरवासियों? अजमेर शहरवासियों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी सामान का बायकॉट करें। मेरा नाम हरमिंदर सिंह छाबड़ा। सर इसका पूरी तरह अपना बहिष्कार होना चाहिए। पहले भी जैसे चीन ने वायरस फैलाया है और अभी अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसका चाइना का सामान का पूरी तरह बहिष्कार होने चाहिए। और जो जो कल शहीद हुए हैं उनको सत-सत नमन। चीन का चाइना का सामान का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। वो सस्ता ज़रूर मिलता अपने को, लेकिन ये वापस अपने ही पैसों से अपने पैसों से हथियार बनाते हैं और अपने ऊपर अटैक करते हैं। तो चीन का जो आ रहा है इसमें क्या क्या आ रहा है जो आप बहिष्कार करना चाहेंगे? चीन का आइटम क्या क्या है? तो चाइना का ज़्यादा तो जैसे मोबाइल हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज हुआ, और ये जो दीपावली में अपन यूज़ करते हैं, तो इनका पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। क्या कहना सस्ते के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्या कहना चाहोगे अजमेर शहरवासियों को? क्या अपील है आपकी? हमको अजमेर हाथ जोड़ के अपील है कि चाइना का पूरी तरह बहिष्कार करें, क्योंकि अपने को बहुत नुकसान हो रहा है और इसका भविष्य में अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, अपना रितेश कालिका।